अस्सलाम वालेकुम माय ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, हैप्पी हेल्थी होंगे और हर कोई रमज़ान आने की खुशी में मसरूफ होगा। और ये मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ पे अपने लिए चिया सीड्स का कप बनाकर बैठी हुई हूँ और पी रही हूँ। और चिया सीड्स या लेमन वाटर मॉर्निंग में लाजिम लेती हूँ, जिस दिन नहीं लेती हूँ उस दिन मूड अच्छा नहीं रहता। और साथ में मैं अपनी थोड़ी सी एडिटिंग कर रही थी व्लॉग की, तो उसके बाद तकरीबन ये 7:40 का टाइम था। उसके बाद 9 o'clock पे मैं अपने बेटे को उठाने के लिए चली गई थी ताकि वो उठे और उठ के अपनी थोड़ी स्टडी करे या खेले या कुछ करे, क्योंकि अगर मैं बेटे को लेट उठाती हूँ तो फिर नाइट में नींद जो है वो बहुत ख़राब हो जाती है, वो नाइट में नहीं सोता। बच्चों का यही है कि उन्हें जितना अर्ली मॉर्निंग उठा दिया जाए तो उनकी रूटीन अच्छी रहती है। तो यहाँ पर मैं अपने लिए नाश्ता लेकर आ गई थी। मैं अपने लिए ये ओट्स बनाए थे मैंने, उसमें ड्राइनर्स डाले थे मिल्क के अंदर, मैं ये खा रही थी। और यहाँ पे मैंने बेटे को कंप्यूटर के पे कुछ एक्टिविटीज़ लगा के दी थी ताकि वो थोड़ी सी एक्टिविटीज़ करे, कोई ड्राइंग करे, क्योंकि स्कूल बंद है, स्कूल में वेकेशंस चल रही हैं तो बच्चे सारा दिन घर में बहुत फैडअप हो रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी ना किसी एक्टिविटी में लगा दो तो उनका दिल लग जाता है। तो यहाँ पे मैं उसे ड्राइंग बनवा रही थी और बिल्कुल मैंने उसे एज अ टेस्ट की तरह दिया हुआ था कि वो इसे बनाए और मैं उसे उसके मार्क्स दूंगी, और जितनी अच्छी वो बनाएगा मैं उसे उसके उतने ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स दूंगी। तो वो बिल्कुल उस तरह से कर रहा था कि जैसे वो अपनी ई लर्निंग में कोई काम करता है। तो बस यहाँ पे मैंने उसे दो ड्राइंग्स बनवाई थी अच्छी सी करके, प्यारी सी करके। और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से मेरे बेटे की ड्राइंग कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जितनी उसकी मामा को ड्राइंग अच्छी नहीं लगती थी उसकी ड्राइंग उतनी ही अच्छी है। तो ये जुमेरात वाले दिन का व्लॉग है। तो वीकेंड था तो वीकेंड में मैं पूरा घर डीप क्लीन करती हूँ और साथ में लॉन्ड्री कर लेती हूँ। किसी दिन थर्सडे को लॉन्ड्री हो जाती है या किसी दिन सैटरडे को हो जाती है, डिपेंड करता है कि कपड़े कितने होते हैं। तो यहाँ पे मैं कपड़े निकाल रही थी और ये मेरी बकेट है जो कि मैंने होम सेंटर से ली हुई है और अब इसके जो व्हील्स हैं वो ख़राब हो गए हैं, तो पता नहीं ये बकेट भी कितने दिन रहती है या मुझे इसे फेंकना पड़ेगा, क्योंकि इसने बाथरूम में बहुत ही ज़्यादा ना, मतलब कि वो एक जंग होता है ना फ्लोर पे, जंग पकड़ लिया है। तो यहाँ पे मैं क्लीनिंग कर रही थी, सफाई कर रही थी, इतना ज़्यादा घर गंदा नहीं था, लेकिन फिर भी जुमेरात को मस्ट होता है कि मैं अपना घर बिल्कुल साफ सुथरा कर लेती हूँ, क्योंकि फ्राइडे का दिन होता है और फ्राइडे के दिन में आउटिंग डे होता है, बाहर जाना होता है और दिल चाहता है कि घर साफ सुथरा हो। हस्बैंड एक दिन घर में है तो घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि मेरे बेशुमार काम है और मैं घर की सफाइयों में भी लगी हुई हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं रात वाले दिन क्लीनिंग करती हूँ, उसके बाद लुबान धोती हूँ और कपड़े अगर हों तो वो भी, उनका भी थोड़ा काम कर लेती हूँ, कपड़े वगैरह भी क्लियर कर लेती हूँ ताकि फ्राइडे वाले दिन बिल्कुल एक अच्छी सी मॉर्निंग हो, नाश्ता किया जाए घर से या बाहर से। तो पहले हम लोग फ्राइडे वाले दिन बाहर से नाश्ता नहीं करते थे पाकिस्तान में, मुझे याद है जब हम लोग छोटे होते थे या जब हम बड़े भी हो गए थे फ्राइडे वाले दिन मस्ट होता था कि नाश्ता बाहर से होना है। यहाँ भी इस चीज़ का इतना फैशन नहीं देखने को मिला, लेकिन अब हमने अपनी लाइफ में इस चीज़ को भी ऐड किया है कि मॉर्निंग में हम एक वीक छोड़ के, मतलब एवरी वीक नहीं एवरी अदर वीक छोड़ के हम लोग बाहर ब्रेकफास्ट के लिए चले जाते हैं। उससे यह कि मूड थोड़ा अच्छा हो जाता है, मॉर्निंग में अच्छी वाइब्स मिलती है। फ्राइडे वाले दिन हम लोग अपनी गाड़ी में तलावत लगा लेते हैं और हम लोग माशाल्लाह से निकल जाते हैं, नाश्ता करके आते हैं या किसी सुपर मार्केट वगैरह में कोई ग्रोसरी वगैरह करनी हो तो मॉर्निंग में कर लेती हूँ और उसके बाद लंच वगैरह बनाते हैं और फिर बाहर निकल जाते हैं, और फ्राइडे का दिन इसी तरह ही गुजर जाता है पूरी मसरूफियत में। तो यहाँ मैंने घर की क्लीनिंग कर ली थी और उसके बाद मैं जा रही थी बेटे के स्कूल। तो ये है मेरे बेटे का स्कूल, रॉयल एकेडमी, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छी स्टडी थी इसमें, लेकिन अभी तो खैर सब स्कूल ही बंद है। ये स्कूल अजमान में है रॉयल एकेडमी और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कूल है। मेरा बेटा माशाल्लाह से शुरू से यहीं पे स्टडी कर रहा है, जब से मेरा बेटा पढ़ना शुरू हुआ है KG से। तो जब मैंने अपने बेटे का स्कूल में एडमिशन करवाया था तब तो स्कूल में बहुत ही ज़्यादा बच्चे होते थे, बहुत ही ज़्यादा स्कूल, मतलब ये स्कूल
इतना ज्यादा अच्छा है और इसकी फीस रीजनेबल है और ये स्कूल इतना ज्यादा चलता था, स्टाफ भी अच्छा था, लेकिन अभी आपको पता है कि जो भी पीछे सूरत हाल पिछले एक साल से चल रही है, सबसे ज्यादा स्कूल इफेक्टेड हुए हैं। एनीवेज मैं यहाँ पे आई थी अपने बेटे के स्कूल की फी पे करने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर माशाल्लाह से स्टार्ट होने वाला है, तो प्रीवियस फीस जो है वो सारी की सारी क्लियर करनी थी, अदरवाइज वो आपको फाइनल रिजल्ट नहीं देंगे और न्यू क्लास में बच्चों को एंटर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फी पे की, फी पे करने के बाद मेरा बेटा जो है वो अपने स्कूल में घूम रहा था और अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहा था और मुझसे बातें कर रहा था कि मामा ये स्कूल क्या था और अब क्या हो गया है। और अंदर जाना अलाउ नहीं था, अंदर जाने के लिए आपको कोविड टेस्ट जो है वो नेसेसरी है, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं करवाया था और हम लोग सिर्फ बाहर से फी काउंटर से फीस पे करके आ गए थे। और ये एक बिल्कुल कॉरिडोर है जहाँ पे मेरा बेटा फिर रहा था और मैंने सोचा कि चलो 5-10 मिनट के लिए इसे यहाँ पे थोड़ा सा घुमा लेती हूँ ताकि इसकी यादें जो हैं वो ताज़ा हों और ये अच्छा फील करे। मेरे घर अब देखो अब क्या हो गया, कितनी बसें होती थी ना, चलो अब आ जाओ, हाँ जाओ, शाबाश। अब जंगल में एक शेर आया है, उसका नाम है कोरोना वायरस, ठीक है, और उसकी वजह से सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, पूरा जंगल बर्बाद हो गया है। अभी हमें चाहिए कि हम प्रे करें कि अल्लाह मियाँ ये कोरोना वायरस जो है ये खली वली हो जाए और जंगल फिर से आबाद हो जाए। ओके, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, डोंट वरी, 1 ईयर तक इंशाल्लाह ताला आपके स्कूल खुल जाएंगे। सडनली नहीं ना खोल सकते बेटे, सडनली नहीं कैसे, खोल सकते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम आल्सो। तो यहाँ पे बेटे के स्कूल के पास गन्स हैं, बिल्कुल स्कूल के बाहर निकल के, तो बेटे के स्कूल के बाहर से तो वैसे भी टैक्सी नहीं मिलती थी, हमने थोड़ा वॉक किया और लंच का टाइम था और यहाँ पे हम आ गए थे लंच करने के लिए और लंच करने के बाद हम लोग घर चले जाएंगे। हेलो बेबी, बेबी मैं आपकी कैतों को दर्द कर जूं? व्हाई गिव मी योर कैतो, आपको अच्छी नींद आई है? एंड कैतों को नींद अच्छी नहीं आई, कैतो मिस कर रही थी आपको, कैतो शी वेरी बेबी, यू आर बेबी और यू आर बॉय, यू आर बिग बॉय और यू आर स्मॉल बेबी, इन्फेंट बेबी, आई थिंक सो यू आर इन्फेंट बेबी। ओके, डू आई केयर योर कैटो? सम प्रायर्स गो, सम नट एंड बूट्स, सम नट एंड बूट्स को के बोलो तो यहाँ आप देख रहे हैं मैंने अपने बेटे को टूल सेट लेकर दिया था जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी और सिर्फ 10 दिनम का था, वो उसके साथ प्ले कर रहा था। और यहाँ पे हो गया था डिनर का टाइम और मैं यहाँ पे डिनर बना रही थी और ये मैंने चपली कबाब और छोटे सीख कबाब बना के रखे हैं, बाइट से सीख कबाब जो होते हैं, तो मैं उसकी एडिटिंग कर रही थी लेकिन मेरे जो कैमरे की चार्जिंग है वो ख़त्म हो गई थी। किचन में मैं कैमरा यूज़ करती हूँ, किचन में मैं मोबाइल यूज़ नहीं करती, मैंने ट्राईपॉड के ऊपर कैमरा लगाया होता है और वो यूज़ करती हूँ, क्योंकि मोबाइल के साथ आप किचन में एडिटिंग या फोटोशूट बिल्कुल भी नहीं कर सकते, कोई भी पिक्चर या वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि किचन में आपको दो दो हाथों से काम करना पड़ता है अपने किचन में। और यहाँ पे बस चार्जिंग पे लगा दिया था ट्राईपॉड और उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही थी नहारी डिनर में। नहारी अच्छी तो बीफ में लगती है लेकिन आज मेरा बनाने को दिल चाह रहा था लेकिन मेरे पास बीफ नहीं था, मेरे पास मटन रखा हुआ था तो मैं मटन में बना रही थी, मटन में भी अच्छी बन जाती है लेकिन इतनी अच्छी नहीं बनती जितनी के बीफ की बनती है।
तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला बीफ की भी बना के आपके साथ शेयर करूंगी। एक दफ़ा मैंने बीफ की भी बनाई हुई है, तो मैंने इस दफ़ा मटन की बनाई थी, लेकिन मैंने मटन की बनाने के बाद यही सोचा कि निहारी हमेशा बीफ में ही बनानी चाहिए, क्योंकि बीफ में ही निहारी अच्छी लगती है। निहारी के पैकेट के पीछे भी उन्होंने लिखा हुआ है बीफ या मटन, लेकिन आपको पता है कि बीफ निहारी जो डिश है वो बेसिकली है बीफ की ही, और बीफ में ही बनानी चाहिए। तो चले इस दफ़ा मटन में बना ली है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला बीफ में बना के आपके साथ शेयर करूंगी। और आप घर के सारे स्पाइसेस भी ले सकते हो, मैंने घर में भी सारे स्पाइसेस जो है वो निहारी के पीस के रखे हुए हैं सारे, कभी मैं उसमें भी बना लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मेरे पास पैकेट रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो पैकेट को इस्तेमाल किया जाए, पैकेट में ज़्यादा मज़े की और अच्छी बन जाती है और थोड़ी ईजी भी रह जाती है। तो मैं यहाँ पर गोश्त को अच्छे तरीके से भून रही थी। आपने गोश्त को इतने अच्छे तरीके से भूनना है कि उसका ऑयल सेपरेट हो जाए, उसके बाद आपने इसके अंदर पानी डाल देना है। मेरे पास मटन था इसलिए मैं ज्यादा पानी ले रही थी, बीफ के लिए इतना ज्यादा पानी दरकार नहीं होता। तो बनाइएगा आप भी निहारी बनाकर मेरे साथ शेयर करिएगा कि आपकी कैसे बनी है। बहुत सारे लोग घर में निहारी बनाते हैं और बहुत ही ज्यादा अच्छी और मजे की बनती है। और मतलब यहाँ दुबई में रहते हुए आप अगर ये भी चीज घर में बना लो तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ पे पाकिस्तानी डिशेज जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके की और अच्छी क्वालिटी की मिलती हो। यहाँ पे डेली रेस्टोरेंट है, वहाँ की निहारी बहुत ज़्यादा अच्छी और मशहूर है। इंशाल्लाह ताला अभी नेक्स्ट कभी जाऊँगी तो फिर वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगी, और आप भी ट्राई कीजिएगा। डेली रेस्टोरेंट है दुबई में, उसकी निहारी अमेजिंग एंड माउथ वाटरिंग होती है। तो यहाँ पे जो मैंने ऑयल सेपरेट किया हुआ था वो मैंने निहारी के ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया था, और साथ में मैंने निहारी के लवाजमात काट लिए थे जो ज़रूरत होती है, ताकि इसके साथ ज़्यादा मज़ा आता है। और आप चाहें तो सारे ऊपर भी डाल सकते हैं, वरना सेपरेट भी रख सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मैं रमज़ान से रिलेटेड जो है वो व्लॉग से सेंड करूँगी। सबसे पहले हाउस क्लीनिंग का व्लॉग शेयर किया जाएगा, उसके बाद ग्रोसरी का, और उसके बाद फिर रमज़ान के लिए जो प्रिपरेशन की है मैंने वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला से शेयर करूँगी। और बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा व्लॉग। अगर अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाला व्लॉग भी आप देख सकें। तो सब्सक्राइब करना नहीं भूला करें, सब्सक्राइब लाजिम कर दिया करें, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाती है, एक हौसला अफजाई हो जाती है, काम करने का मज़ा आता है, आपके साथ चीज़ें शेयर करने का मज़ा आता है। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।